जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज है संडे का दिन और प्रत्येक संडे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो आज का वीडियो गवर्नमेंट स्कीम पर पूरी तरह से डिपेंड होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप सबको जैसा कि पता है मेरे पीछे तिरंगा लगा हुआ है और आज है 15 अगस्त और यह स्वर्णिम दिन प्रत्येक वर्ष हम भारतवासियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन साल 1947 में 15 अगस्त को हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजी सत्ता को यहां से पूरी तरह से भगा दिया गया। तो इस दिन को सही तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने घर में जहां पर भी होंगे सही तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। यह स्वर्णिम दिन कैसे आया, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि 200 वर्षों तक लगातार औपनिवेशिक शासन यहां पर चला था, अंग्रेजों की सत्ता थी। उसके बाद हमें आपके बीच में से, जैसे हम और आप हैं, कुछ युवाओं के मन में और कुछ लोगों के मन में देश को स्वतंत्र कराने की बात आई और उन्होंने एक तरह से क्रांति चला दी और उन क्रांतिकारी वीरों के बलिदान के बदौलत आज हम लोग यह स्वर्णिम दिन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो आज का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करिए खूब हर्षोल्लास के साथ और साथ ही साथ उन क्रांति वीरों को भी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस दिन को लाने के लिए, नहीं भूलना चाहिए और उनके बलिदान को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो उन्हीं की तरह कार्य कौन कर रहा है, तो हमारी फौज कर रही है। हमारे सेना के जो जवान हैं दिन रात बरसात गर्मी सर्दी कुछ नहीं देख रहे हैं, बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। तो सबसे पहले उन सबको हमारी तरफ से सैल्यूट है, पूरे स्टडी विथ आंसू परिवार की तरफ से उन सबको सैल्यूट है और हम सब एक साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जहां पर भी होंगे सही तरीके से इस दिवस को मना रहे होंगे और पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग यह आकांक्षा करते हैं, यह कामनाएं करते हैं कि हमारा भारतवर्ष इसी तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर भाईचारे के साथ रहते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन को इसी तरह से सेलिब्रेट करे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो वीडियो है बहुत छोटा है, मैं तो देखो मैं दिली इच्छा मेरी बोल रही थी कि आज मैं वीडियो ना लाऊं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग भी सही तरीके से सेलिब्रेट करिए, उसके साथ ही साथ अपने एम को भी मत भूलिए। तो वीडियो छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में, ठीक है, और उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता योजना। सबसे पहले इसके मंत्रालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह लागू किया गया। योजना का नाम है पीएम दक्षता योजना, लेकिन इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। प्रकार कैसा है, तो हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। हाशिए पर खड़े व्यक्ति वो होते हैं जैसे कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और साथ ही साथ जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं और जो कूड़ा करकट उठाते हैं सड़कों पर से, ठीक, उनको क्या किया जा रहा है पूरी तरह से कौशल विकास के तहत उन्हें शिक्षित किए जाने के लिए यह योजना लाई गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, क्या होगा कि कौशल विकास का पूरी तरह से उन्हें नॉलेज दिया जाएगा, प्रशिक्षण करवाया जाएगा। उसके लिए वह व्यक्ति जो इन वर्गों से बिलोंग करता है, कौन कौन से, जैसे ओबीसी हो गया, पिछड़ा वर्ग इसे बोलते हैं, रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति, ठीक, और जो कूड़ा करकट सड़कों से उठाते हैं, उस कास्ट से जो लोग आते हैं या उस वर्ग से आते हैं उनमें से 18 से 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, कौशल विकास का प्रकार क्या है, अप स्किलिंग उन्हें दी जाएगी, रिस्किलिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण मिलेगा इसका, लघुकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें दिया जाएगा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जिसके तहत उन्हें सिखाया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह जो प्रशिक्षण दिया जाएगा यह मुक्त प्रशिक्षण होगा, साथ ही साथ उपस्थिति के अनुसार वेतन भी दिया जाएगा। उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, ठीक, जो व्यक्ति कौशल विकास परीक्षण लेंगे उसमें उनकी कितनी प्रेजेंट है, ठीक, कितनी प्रेजेंटेशन है, कितनी उपस्थिति है, उसके अनुसार उन्हें क्या दिया जाएगा, वेतन भी दिया जाएगा, 1000 रुपए या 2000 रुपए प्रति माह। इससे क्या होगा कि जो लोग होंगे वो प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक होंगे और इस तरह से उनमें एक तरह से लालच बढ़ेगी, अगर हमारी उपस्थिति ज्यादा रहेगी, प्रेजेंट ज्यादा रहेगी तो हमें क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ठीक, तो उपस्थिति के अनुसार उन्हें वेतन भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जब उनकी स्किल पूरी तरह से खत्म होगी, प्रशिक्षण खत्म होगा तो उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही पीएम रक्षा पोर्टल भी चालू किया गया है।
इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके मोबाइल पर एक ऐप भी रहेगा जिसके माध्यम से इस योजना से रिलेटेड चीजें उन्हें घर बैठे भी मिल सकेंगी। तो ये छोटी सी योजना थी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे क्योंकि मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए, आज है स्वतंत्रता दिवस, आप लोग सही तरीके से सेलिब्रेट करिए, भाईचारे को बढ़ाइए और कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे कि देश आप पर गर्व महसूस करे। ठीक, अपने आप को देश से जोड़कर रखिए हमेशा। स्वतंत्रता दिवस एक दिन मनाने से, जय हिंद का नारा लगाने से कोई देशभक्त नहीं होता, यह दिखावे की देशभक्ति होती है। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो आपको देश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी और अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आपके देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो के लास्ट में भी मैं यही बोलूंगा, सही तरीके से आप लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।